तरफ से टमाटर आ रहा है तो दूसरी तरफ से चावल जा रहा है। नेपाल और भारत का रिश्ता कुछ इस तरीके का है। फिर ऐसी चीजें क्यों हो रही हैं? नेपाल क्यों ब्लैकमेल कर रहा है भारत को, और भारत भी क्यों जवाब नहीं दे रहा है? जानेंगे ये मामला बहुत ज्यादा क्यों उछल रहा है। स्क्रीन पर आपको एक आर्टिकल दिख रहा है। इस आर्टिकल में काठमांडू पोस्ट की ये आर्टिकल है। बहुत जोर शोर से इस मामले को उठाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि भारत अगर हमारी बात नहीं मानता है तो हम सारे राज खोल देंगे। आखिर ऐसे कौन से राज दबे पड़े हैं? जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। स्क्रीन पर जो आपने आर्टिकल देखा द काठमांडू पोस्ट का, दरअसल यहाँ पर एक पैनल है और उस पैनल ने सवाल उठाया है। कहा है कि हम ईपीजी रिपोर्ट को पब्लिक कर देंगे, अपनी संसद में दिखला देंगे किसी भी तरीके से। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं इस आर्टिकल में कुछ ऐसा ही लिखा हुआ है। अब ऐसी ऐसी बातें करेंगे तो मन में तो आएगा कि आखिर ऐसा क्या है जिसको आप पब्लिक करने की बात कह रहे हो? क्या भारत नहीं चाह रहा है कि इसे पब्लिक कर दो? तो ये उस जमाने की बात है जिस जमाने में ओली हुआ करते थे नेपाल के प्रधानमंत्री। जब ओली थे नेपाल के प्रधानमंत्री, तब भारत और नेपाल के बीच संबंधों में थोड़ी कड़वाहट आ गई थी, क्योंकि ओली ने एक नया नक्शा पास किया था और उसके बाद से ही सारी भू राजनीति बदलनी शुरू हो गई थी। नेपाल के साथ हमारे बहुत पुराने संबंध है, लेकिन 2016 में चीजें बदलने लगी। तब जाकर भारत की तरफ से भी और नेपाल की तरफ से भी एक टीम तैयार किया गया, जिस टीम का नाम दिया गया ईपीजी। और इस टीम का क्या काम था? इनका काम था कि 4 मेंबर नेपाल की तरफ से और 4 मेंबर भारत की तरफ से दोनों मिलकर एक रिपोर्ट तैयार करेंगे जिससे कि दोनों के बीच में जो दोस्ती है वो दोस्ती बना रहे। हालांकि अब इस रिपोर्ट में क्या क्या था और क्या नहीं, ये अभी तक सामने नहीं आया है। पर कुछ कुछ चीजें जो अनुमान लगाई जा रही है ये संबंधित था 1950 की ट्रीटी से। स्वाभाविक सी बात है, 1950 में भारत और नेपाल के बीच में शांति समझौता और दोस्ती भरा नाता रिश्ता तय हुआ था। कभी ऐसा लगा ही नहीं कि नेपाल अलग है या भारत अलग है। नेपाल के लोग बड़ी आसानी से भारत आते हैं और भारत के लोग भी नेपाल जाते हैं। कहा जाता है कि ओली के काम के बाद से बहुत सारी चीजें उलझती चली गई। ये भी कहा जाने लगा कि कुछ नियम बनने चाहिए, कुछ कानून बनने चाहिए। नेपाल की तरफ से ये भी आरोप लग रहा है कि बॉर्डर खुला नहीं रहना चाहिए, बॉर्डर को बंद कर देना चाहिए ताकि यहाँ पर किसी तरह की स्मगलिंग न हो, ट्रैफिकिंग न हो, वगैरह वगैरह। हालांकि हमने ये देखा है कि बहुत ज्यादा नेपाल के रास्ते ही भारत में घुसते हैं, नेपाल भागते हैं अपराधी या गलत गतिविधियों वाले लोग, इनकी खबर बराबर आती है। अब हो ये रहा है कि एक समारोह आयोजित किया गया और इस समारोह में जो पूर्व विदेश मंत्री थे, जो उस समय ईपीजी के मेंबर भी थे, उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि हमारा जो है धैर्य जवाब दे रहा है, या तो भारत को ईपीजी की रिपोर्ट मान लेनी चाहिए और अगर ये ईपीजी की रिपोर्ट नहीं मानते हैं तो फिर हमें संसद में इसे पब्लिक कर देना चाहिए। ये जो शख्स है कमल थापा, कहा जा रहा है कि ये ईपीजी के मेंबर थे। अब इस ईपीजी रिपोर्ट में क्या है वो भगवान जाने, क्योंकि ये रिपोर्ट अभी तक पब्लिक नहीं हुई है, सिर्फ लोग अनुमान ही लगा रहे हैं। पर आपको बता दें, भारत आखिर इस ईपीजी रिपोर्ट को क्यों अभी नहीं मान रहा है? तो भारत ने भी अपने तरफ से कुछ एकदम से साफ साफ आकर नहीं कहा है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि भारत अभी इस मामले में दूरी बनाकर रखे हुए है। इसके पीछे कारण है, और कारण ये है कि खुद नेपाल के अंदर इस वक्त स्थिरता नहीं है। ओली के बाद दो बार ओली प्रधानमंत्री बने, पुष्प कमल दहल बने, और अभी तक रस्सा कस्सी चल ही रहा है। जब ये रस्सा कस्सी चल रहा है तो इन सब के बीच में कैसे ईपीजी रिपोर्ट को मान लिया जाए? खैर, और भी कारण हो सकते हैं, लेकिन ये एक कारण जरूर बताया जा रहा है। अब मन में ख्याल आएगा, अच्छा तो भारत और नेपाल के बीच रिश्ते तो खराब हो गए होंगे, एकदम कट्टर वाले दुश्मन बन गए होंगे। जी नहीं, एक
वर्ग है जो ऐसा चाह रहा है कि ईपीजी रिपोर्ट पर बात हो। अगर नेपाल और भारत की बात करें तो इस वक्त आप देख सकते हैं स्क्रीन पर उसी द काठमांडू की पोस्ट। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि भारत ने चावल के ऊपर बैन लगा दिया है और इस चावल के ऊपर जो बैन लगाया है उसका असर हमें देखने को अमेरिका में मिल रहा है। किस तरीके से लाइन में लगे हुए हैं लोग और किस तरीके से परेशान हैं। अब तो अमेरिका के मॉल और दुकानों में साफ साफ लिखा जा रहा है कि तुम्हें एक पैकेट ही मिलेगा, इतना ही मिलेगा, एक बंदिश लिमिटेशन लगाई जा रही है। चावल का ये हाल है, लेकिन नेपाल के लिए भारत ने चावल खोल दिया है क्योंकि हमारे संबंध बहुत अच्छे रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि नेपाल हमारे लिए नहीं कर रहा है, नेपाल ने भी हमारे लिए टमाटर को खोल दिया है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं आर्टिकल, नॉन बासमती राइस आराम से नेपाल को मिलेगा और भारत को भी मिलेगा वहां से टमाटर। इस वक्त हमारे टमाटर बहुत महंगे हैं, टमाटर का दाम तो करीब 1400% बढ़ गया है। तो ऐसे में वो हमें टमाटर खिला रहे हैं तो हम उन्हें चावल खिला रहे हैं। ये सही रिश्ता रहा है भारत और नेपाल का। और आगे बढ़ते हैं, भारत, नेपाल और बांग्लादेश, इन तीन देशों को देखिए। ये तीनों देश आपस में मिलकर बिजली के व्यापार को लेकर काम कर रहे हैं, एक गठजोड़ की तरह काम कर रहे हैं जिसमें सप्लाई किया जाएगा 500 मेगावाट हाइड्रो पावर बिजली बांग्लादेश को। इस्तेमाल किया जाएगा भारत का ट्रांसमिशन लाइन। साउथ एशिया में ये चीज बहुत अच्छी हो रही है कि तीनों का गठजोड़ बन रहा है। वैसे तो कहा जा रहा है बांग्लादेश, नेपाल और भारत के बीच जो ये बिजली का सप्लाई होगा ये चीजें फिर आगे बढ़ेंगी और आगे बढ़कर ये श्रीलंका तक जाएंगी। मतलब साउथ एशिया में एक बड़ा क्षेत्र बन जाएगा जहां बिजली का आदान प्रदान हो सकेगा और इस आदान प्रदान होने से हर देश को यहां मुनाफा होगा। भारत यहां पर ट्रांसमिशन लाइन दे रहा है ताकि यहां से नेपाल को, बांग्लादेश को, हर जगह बिजली पहुंच सके। अब आप सोचेंगे बस इतना सा ही? नहीं नहीं, इससे भी आगे निकला हुआ है। भारत ने हाल ही में रक्सौल काठमांडू रेलवे का अंतिम लोकेशन सर्वे नेपाल को सौंपा है, जिसके बाद चीन टेंशन में आ गया है। चीन ने भी नेपाल की राजधानी को अपने रेलवे लाइन से जोड़ने के प्रयासों को तेज कर दिया है। चीन का लक्ष्य ये है कि वो केरुंग काठमांडू रेलवे लाइन का निर्माण करे। एक्सपर्ट इसे नेपाल में अपने प्रभाव को बढ़ाने के रूप में देख रहे हैं। हालांकि इसमें भारत चीन से एक कदम आगे है क्योंकि इसका डिजिटल प्रोजेक्ट रिपोर्ट नेपाल को दे दिया गया है। वैसे दोनों ही देश रेलवे लाइन यहाँ पर जल्दी से जल्दी पूरा करना चाहते हैं और दोनों ही अपना रिश्ता मजबूत रखना चाह रहे हैं। पर चाइना के साथ स्थिति ये है कि चाइना पहले रिश्ते बनाता है और फिर उसके बाद कब्जा करता है, ये उसके इतिहास में है। भारत के साथ इतना पुराना रिश्ता है और अब तक वैसा ही बना हुआ है। भारत कभी प्रतिद्वंदी की तरह नेपाल को नहीं देखता है। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।